हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है बिजनेस स्टडीज़ का। लास्ट के वीडियो हमने देखा था कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस के नेचर क्या होते हैं और ऐसे कौन से लोग होते हैं जो बिज़नेस सेक्टर में जाते हैं, और मैनेजमेंट का भी इंट्रोडक्शन मैंने कल आपको या लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर आप देखें, पहले समझें कि ये सब क्या है, इसका बेसिक क्या है, फिर आप ये वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। देखिए, कहावत है इंग्लिश में गाइज कि अ ग्रुप ऑफ डंकीज लीड बाय अ लॉयन कैन डिफीट अ ग्रुप ऑफ लॉयंस लीड बाय अ डंकी। यानी कि बंदरों का अगर एक झुंड है, उसे कोई शेर चलाता है, उसका लीडर कोई शेर है, तो वो शेर के झुंड को भी हरा सकता है जिसे एक बंदर चला रहा है। यानी कि अगर आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और उसका जो लीडर है, जो बॉस है, जो मैनेजर है, यानी कि उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो उन लोगों से भी काम नहीं करवा पाएगा जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, नॉलेजेबल पर्सन हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बिजनेस स्टडीज़ की बात करें, तो किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें ग्रोथ करनी है, तो हमें लीडरशिप स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, हमें मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यानी कि जो टॉप लेवल का जो वर्क है, अगर वो बहुत स्मार्ट वर्क की तरह काम कर रहा है, या उसको जो ऐसे लोग चला रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो ऑटोमेटिकली उनके जो नीचे वाले जो होंगे, यानी कि मिडिल लेवल के और लोअर लेवल के जो लोग होंगे या जो एम्प्लॉयज़ होंगे, वो अपनी क्वालिटी से भी बेटर सर्विस देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनके अंदर भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ये सब संभव है बिकॉज ऑफ गुड मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, ये बात हम समझ चुके हैं और आगे भी हम समझेंगे। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है मैनेजमेंट का, उसकी हमें ज़रूरत क्यों है, स्कोप क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है और कैसे वो सिस्टम में वर्क करता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखिए, इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है, जिसे काम करने के लिए किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है, यानी कि उसे इकोनॉमी एक्टिविटीज़ की आवश्यकता होती है, ऐसी कुछ कंपनीज़ की आवश्यकता होती है जहां उसके काम की भी कदर हो, उसके नॉलेज की भी वैल्यू हो, वो कुछ सीख भी पाए और उससे वो पैसा भी कमा पाए, ऐसी जगह इंसान नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है, लेकिन अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपके नॉलेज में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ नहीं टिक पाएंगे। कुछ लोग टिक भी जाते हैं, 40-50% लोग ऐसे भी होते हैं जो बस काम कर रहे हैं, उनका कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनकी उसमें कोई ज़्यादा खास कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन। जिन लोगों की एजुकेशन वीक होती है, वो लोग जो होते हैं वो इस तरीके से ही काम करते हैं कि जहाँ एक बार नौकरी लग गई, मतलब लग गई, अब वहाँ से हिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से चले गए तो अगली बार नौकरी कौन देगा, इसकी उनको कोई श्योरिटी नहीं होती। लेकिन अगर कोई एजुकेटेड बंदा है, तो वो डेफिनेटली अपने नॉलेज के बेस पर बहुत अच्छी जॉब हासिल कर सकता है। वो देख सकता है कि क्या यहाँ मेरा ग्रोथ है, क्या यहाँ मेरा फ्यूचर सिक्योर है, वो अंदाज़ा लगा सकता है और उस अकॉर्डिंगली वो अपने आप को वहाँ पर स्टेबल कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो लोगों की कद्र करते हैं, लोगों के टैलेंट की उन्हें वैल्यू होती है, ऐसे भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। तो बस आपको ये तय करना है कि आप किस लेवल पर कंफर्टेबल हैं, क्या आपको ग्रोथ पसंद है, या आपको बस एक स्टेबल लाइफ पसंद है, एक कांस्टेंट ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जो बिल्कुल फ्लैट है, जिसमें ना को तो कोई उतार है ना कोई चढ़ाव है, ऐसी लाइफ अगर आपको जीनी है तो आप जहाँ हैं वहीं रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करना भी मूर्खता है, आप जहाँ हैं वहाँ खुश रहिए। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो ग्रोथ चाहती है, वो सीखना चाहती है। आज वो क्लर्क लेवल पर काम कर रही है, तो कल वो चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट लेवल का काम करें, आज हम नौकर हैं तो कल हम मालिक बनना चाहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे युवा यंगस्टर्स आज भारत देश में मौजूद हैं, ठीक है। तो उन्हीं के लिए सब्जेक्ट है गाइज, उन्हीं के लिए हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सब के लिए ये वीडियो नहीं है।
ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आर टास्क ऑफ गेटिंग रिजल्ट थ्रू बाय कोऑर्डिनेटिंग देयर एफर्ट इज नोन एज मैनेजमेंट। यानी कि अगर हमें कोई काम करना है, कोई मंजिल हमें प्राप्त करनी है, कोई टास्क अचीव करना है, तो हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आपस में। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपसी तालमेल, ठीक है। तो जो भी ग्रुप आपके साथ है उसमें आपसी तालमेल आप बिठाइए, उनसे काम करवाइए, उनके दिलों को जीतिए, और वो आपके लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लेंगे। यानी कि वो आपके सपने को अपना सपना समझकर दिन रात एक कर देंगे, और यही आपसी तालमेल, यही कोऑर्डिनेशन कहलाता है गुड मैनेजमेंट, स्ट्रांग मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, तो अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को जोड़ लीजिए जो सक्सेस के भूखे हैं, जो आपके ड्रीम को अपना ड्रीम बनाने के लिए तैयार है, जो दिन रात एक करने के लिए तैयार है, जो समय देखकर काम नहीं करेंगे, बस वो ये देखकर काम करेंगे कि हमें कब ये मंजिल प्राप्त होगी, ठीक है। तो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, बस आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए, आपके अंदर वो जौहरी वाली बात होनी चाहिए जिससे आप हीरे को पहचान लें। यानी कि आप ऐसे लोगों को पहचान सकें जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। कभी कभी हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, हमें उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन आप करें, ऐसे लोगों को हायर करें। सभी नहीं करें तो कुछ टॉप लेवल पर तो ऐसे लोगों को ज़रूर हायर करें जिनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो सर्विस देना चाहते हैं। हाँ, उनकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप उन्हें हायर करें। बहुत सारे ऐसे बिजनेस डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे आप एजुकेशन में बात करें, स्कूल्स में बात करें, कॉलेज में बात करें, हर जगह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें सस्ते एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होती है। यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बस काम होता रहे, काम होता रहे, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली बस काम करवाना चाहते हैं। उन्हें क्वालिटी की कोई कदर नहीं है, क्वालिटी की कोई कदर नहीं है, उन्हें वैल्यू की कोई कदर नहीं है, बस वो चाहते हैं कि लगातार उनका काम चलता रहे, जैसा चलता है वैसा ही चलता रहे। आप देखोगे ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो 10 साल बाद 20 साल बाद भी जहां हैं वहीं हैं, आज भी वो जहां थे वहीं हैं, कोई ख़ास अनुभव उनको नहीं मिला, कुछ ख़ास अचीवमेंट उनको नहीं मिला, कुछ ऐसा उन्होंने जादुई चमत्कार नहीं करके दिखाया जो और लोगों ने करके दिखा दिया है। इसको बोलते हैं स्टेबल लाइफ, ठीक है। तो मिनिमम स्टेप पर भी अगर आपको संतुष्टि है तो वो स्टेबल लाइफ कहलाती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपके आसपास होंगे, अगर आपने बचपन से ही कुछ देखा होगा तो कुछ ऐसी दुकानें हम आपको मिल जाएंगी रास्ते में जो आप बचपन से आप देख रहे हो उनको, वो आज भी वैसे ही हैं। कल भी वो गोली बिस्कुट ही बेचते थे, आज भी वो सेम चीज़ बेच रहे हैं, कुछ खास परिवर्तन उनके अंदर नहीं आया। वही उनकी टेबल, वही उनकी चेयर, वही बल्ब लगा हुआ है, वैसे ही बर्नियाँ जमी हुई हैं, सेम प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, लगातार वो यही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को नहीं मिला। और यही कारण है कि वो आज भी वही काम कर रहे हैं, कुछ ग्रोथ उनके अंदर हमें देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि हम हमेशा ऐसे काम करते हैं जहां हमें सेफ फीलिंग होती है, सेफ साइट, ठीक है ना। कुछ रिस्क लेने वाला काम हम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं जो चल रहा है वो चलता रहे। रिस्क लेंगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि रिस्क लेने पर फ़ायदा भी कितना हो सकता है। तो जो सस्ता, यानी कि हमें चाहते हैं कि जो सस्ते में काम हो जाए, बस हमें और क्या चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति 30,000 रुपये मांग रहा है, 40,000 रुपये मांग रहा है, आप चाहते हो कि 5,000 में काम हो जाए, तो 5,000 वाले लोग भी मौजूद हैं। देखिए, जिस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी तरीके का रिटर्न आपको मिलता है, ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। अगर आप 10,000 रुपये पैसे डालते हैं तो आपको 5,00,000 रुपये कभी नहीं मिलने वाले। आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो हद से हद आप 15,000 रुपये तक का प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ये बात हर कोई नहीं समझ पाता। आज आप देखेंगे टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग टॉप लेवल पर क्यों हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे दिमाग वाले लोग हैं जिनके पास इतना टैलेंट है कि वो अंबानी से भी ज़्यादा माइंड चलाते हैं उस बिज़नेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो उसके पास इतने स्ट्रांग टीम है
कि आप देखते हैं कि उसकी टीम के द्वारा ही वो आज इंडिया का सबसे बड़ा आदमी है, सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो भी सोच लेगा कि यार चलो यार सस्ते लोग उठा लाओ, कि ये तो 1 लाख रुपए सन का ले रहा है, 20,000 वाले को पकड़ लो, काम तो करवाना है, काम ही तो करवाना है, किसी से भी करवा लो। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक फैक्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने टैलेंट का पैसा आपसे लेता है तो आप उस लेवल पर इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। ये मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंडा है। हम ऐसे लोगों को अपॉइंट करते हैं जिनके पास अनुभव नहीं है, नॉलेज नहीं है, कंटेंट नहीं है, जिनके पास कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। बस हमने उनको इसलिए अपॉइंट कर लिया है क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, ये कम सैलरी पर हमसे मान गया है। यानी कि 50,000 रुपये 30,000 रुपये नहीं लग रहे, हमारा 5,000 में काम हो रहा है, तो 5,000 वाले से ही करवा लो। ये जो चीप लेवल की मानसिकता है, ये उन बिजनेसमैन के पास होती है जिनके पास आगे बढ़ने का कोई भी सेंस नहीं है, जिन्हें आगे बढ़ना ही नहीं है, जहाँ हैं वहाँ खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लॉजिक आप बिजनेस का समझिए, मैनेजमेंट का समझिए, कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको एक ऐसी टीम बनानी पड़ेगी जो दिन रात एक करने के लिए तैयार है, जो ऐसे अनुभवी लोग हैं जिनका पास बहुत टैलेंट भरा पड़ा है। बस आपको उस टैलेंट का सही इस्तेमाल करना है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा पैसा ज़रूर आपको उनको देना पड़ेगा, लेकिन आप उस चीज़ को समझिए, आप देखिए कि ये व्यक्ति बहुत काम का है, ये इस लेवल पर काम कर सकता है, हमारे बिजनेस को अलग लेवल तक पहुंचा सकता है, तो क्यों ना थोड़ा सा हम भी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो ये बात जो मैंने आपको बताई, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पर आपको समझाई है, और इसे बहुत अच्छे से आप समझिए। देखिए, मैनेजमेंट क्या है, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए मैनेजमेंट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये आज अभी तो हम इन्हें सिर्फ हेडिंग के फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन ये अगर आप बुक अपनी देखें तो इन सभी के नाम पर एक एक चैप्टर दिया गया है। यानी कि प्लानिंग नाम का एक चैप्टर आपको अलग है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आपको चैप्टर्स दिए गए हैं, और ये चैप्टर्स आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे इन टॉपिक्स के बारे में। यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग, यानी कि मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सभी चीज़ें प्लान मैनेजमेंट के अंदर होती हैं, जिनके द्वारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। आई बात समझ कि नहीं आई? ठीक है, तो मैनेजमेंट तभी बन पाएगा जब आपके पास एक अच्छी टीम होगी। मैनेजमेंट के फीचर्स में से एक फीचर ये भी है कि मैनेजमेंट इज़ आ ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि मैनेजमेंट एक सामूहिक प्रक्रिया है। यानी कि अगर आप मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप अच्छे से सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको उस लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप, एक अच्छी टीम क्रिएट करनी पड़ेगी, जो आपके ड्रीम को अपना ड्रीम बनाकर दिन रात काम करेंगे, और आप देखेंगे कि जो आपका सपना था वो ऐसे लोगों ने पूरा कर दिया है, ऐसे लोगों की मदद से आपका ड्रीम पूरा हो गया है, ये आपको बहुत जल्द आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब समझ गए कि इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, और लोगों से काम करवाने की कला, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर? तो लक्ष्य को प्राप्त करना है हमें, हमारा कोई ड्रीम पूरा करना है, तो आपको मैनेजमेंट टीम क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत बनाने पड़ेंगे अपने बिजनेस के अंदर, जो थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जो आपको आपके ड्रीम के बहुत पास ले जाएंगे, और बहुत जल्दी उन लक्ष्यों को आप प्राप्त कर पाएंगे, अगर आप कुछ नियम कायदे कानून को फॉलो करते हैं और आप अपनी टीम से भी फॉलो करवाते हैं। ठीक है, देखिए दो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट यानी कि मैनेजमेंट गुरु हम जिन्हें बोले, तो वो हमें पढ़ने को ज़रूर मिलेंगे, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे। एक तो हैं F.W. Taylor और एक और आते हैं पीटर। ठीक है, और एक और हम आगे देखेंगे जिनका नाम है फेओल। ठीक है, फेओल करके भी एक साइंटिस्ट हैं, जो आपकी बुक के सिलेबस में भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इन तीन साइंटिस्ट्स का मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है इन्होंने,
और इसके द्वारा ही हम मैनेजमेंट को डीप पर समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, टेलर ने, पीटर ने, फिरॉल ने बहुत ज़्यादा स्टडी की हुई है और इन्हीं की स्टडी के बेस पर हम समझ पाएंगे कि मैनेजमेंट कैसे काम करता है, कैसे हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम मैनेजमेंट से रिलेटेड और बातें करेंगे। फिलहाल अभी हमारा मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन चल रहा है और हम इसे एक बुक के द्वारा नहीं समझ रहे। अगर हम आपकी बुक से समझेंगे तो 3 दिन में 4 दिन में तो आपका चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। हम अपना नॉलेज बिल्डअप कर रहे हैं, हम उस विज्ञान को अपने अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, उस साइंस को इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे हमारे पास ये साइंस, ये क्रिएटिविटी डेवलप हो जाएगी कि हम आगे चल के एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम मैनेजमेंट के ऊपर और बातें करेंगे, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएँ क्या होती हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, ये भी हम आगे के वीडियोज़ में ज़रूर समझेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप शेयर ज़रूर करें, लाइक और कमेंट करके भी हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच।